दुर्ग निगम का स्वास्थ्य अमला डेंगू के लार्वा और मलेरिया से रोकथाम के लिए शहर के वार्डों में घर घर दस्तक दे रहा है। दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देश पर डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग टीम ने घर घर जाकर अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली के साथ स्वास्थ्य विभाग अमला लोगों के घरों में जाकर पानी की टंकी, कूलर, पुराने टायर और अन्य पात्रों की सफाई कर रहे हैं, साथ ही साथ जांच भी कर रहे हैं। इसके साथ ही जिनमें पानी जमा है उसकी जांच कर दवा का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है। हम बता दें, नगर निगम की टीम लोगों को डेंगू एवं मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर सोने की सलाह दे रही है। साथ ही ये टीम अलग अलग वार्ड क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए मच्छरों के खिलाफ लड़ने के लिए विशेष गतिविधियां अपना रही है। इसी कड़ी में दुर्ग निगम का स्वास्थ्य अमला विशेष टीम बनाकर शहर के सभी वार्डों में निरीक्षण कर दवा का छिड़काव कर रहा है, जिसके चलते अब तक 250 से अधिक मकानों तक पहुंचकर डेंगू के लार्वा की जांच की गई, जिसमें अब तक कहीं कोई भी केस सामने नजर नहीं आया। इस संबंध में निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। मौसमी बीमारियों एवं डेंगू मलेरिया के रोकथाम हेतु जो है नगर निगम दुर्ग द्वारा जो है निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि हम लोग डोर टू डोर और दुकानों पे घर पे जा जा के लार्वा का चेक कर रहे हैं। जहाँ पे स्वच्छ पानी रहता है वहाँ पे लार्वा पनपते हैं एक्चुअली में, तो उसके लिए क्या है, हमको स्वच्छ पानी देखना पड़ता है। जैसे गमला हो गया है, कोई ड्रम रखा हुआ है, कोई बाल्टी रखी हुई है, उसके अंदर कई दिन से लोगों के यहाँ कूलर है, कूलर में कई दिन से 7 दिन से 8 दिन से पानी होता, तो उसमें ऑलरेडी जो है लार्वा के मतलब पाया जाता है। तो उसको हम लोग चेक करने गए थे, कहीं भी ऐसा नहीं पाया गया। लोगों को हम लोग इस संबंध में हिदायत भी दी है और उनसे अपील भी की है कि मौसमी बीमारियों को देखते हुए कभी भी जो है मलेरिया, डेंगू ऐसी बीमारी हो सकती है, उसके रोकथाम के लिए नगर निगम एक जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। इस कड़ी में उनसे हमने ये भी निवेदन किया कि मच्छरदानी लगाकर सोएं और अपने घर में जो है इस प्रकार से जो हमने आज कार्रवाई की है वो आप अपना अपनाएं, डेली देखें कि पानी जो जहाँ भी 1 से 2 दिन हो रहा है उसको फेंके, उसमें किसी प्रकार का लार्वा न है पनपे, और स्वच्छ रखे, सुंदर रखे, ताकि आपको किसी भी बीमारी का प्रकोप ना हो सके। हाँ, ये सभी वार्ड में हमारा अभियान चल रहा है, सब वार्ड में अलग अलग है। मैंने खुद जो है वार्ड 51 और 52 में खुद गया था। टोटल कल जो है हमने 231 मकानों और दुकान में मिलकर किया है, तो ये कार्रवाई निरंतर चलेगी। इसमें जिला प्रशासन और मलेरिया विभाग से भी इसमें हम मदद लेंगे, क्योंकि ये जिला प्रशासन, जिला चिकित्सालय विभाग है, वहाँ मलेरिया अधिकारी बंजारे साहब है, उनसे भी बात हुई है, वो भी, उनकी भी टीम हमारे साथ काम करेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।